गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल कुमार। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर एट दैट इज एनपीओ एट एटू पैशन क्लासेस। सो दिस इज पार्ट टू, राइट? दिस इज एनपीओ पार्ट टू। ठीक है, अभी तक बच्चों हमने समझा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम समझने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे डेबिट साइड में हमें एक्सपेंडिचर लिखने होते हैं। ठीक है, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट था। तो डेबिट साइड में हम लिख रहे थे हमारे एक्सपेंडिचर। ठीक है, दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें हमारे इधर आता था एक्सपेंडिचर और इधर आती थी हमारी इनकम। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर थी। और जब हम इसको सॉल्व करते थे तो इधर वाली साइड पे हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होता था वो आता था टू सरप्लस करके। और अगर सपोज मुझे लॉस होता है उसको हम इधर बोलते थे डेफिसिट, बाय डेफिसिट, और जो भी अमाउंट होता था वो हम इधर लिख देते थे, राइट? तो इधर हम क्या लिखते थे, हमने दो बातों का ध्यान रखना था कि इधर हम लिखते थे केवल करंट ईयर का होना चाहिए, जो भी एक्सपेंडिचर आएगा इट शुड बी रिलेटेड ओनली विद द करंट ईयर, चाहे वो हमने पेमेंट करी हो चाहे पेमेंट नहीं करी हो, बट करंट ईयर का आना चाहिए। ऐसे इनकम भी करंट ईयर की इनकम आनी चाहिए। और एक बात को और ध्यान रखते थे, केवल इधर रेवेन्यू आइटम्स आती थी, इधर भी केवल रेवेन्यू आइटम्स आएंगे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर आएंगे, रेवेन्यू इनकम इधर आएगी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल इनकम्स इधर नहीं आती। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर थी। और मैं इसका आपको फॉर्मेट शेयर करता हूं, तो एक बार जरा इस फॉर्मेट पे भी हम जरा नजर मारते हैं। ठीक है, ये बुक में आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, तो ये फॉर्मेट जैसे हमें बता रहे, तो फॉर्मेट है इधर आएगा हमारे पास टू सैलरीज, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ठीक है, अच्छा ये आउटस्टैंडिंग का क्या पंगा होता है वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, फिर आएगा इधर टू रेंट, मतलब देखो रेंट हमें हर महीने देना होता है, रेवेन्यू है। ठीक है, रेवेन्यू आइटम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम लेस प्रीपेड। ठीक है, ऑडिट फीस, जितने भी खर्चे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, कभी भी वो डेप्रिसिएशन होते तो हमारी जेब से पैसे नहीं जा रहे होते। ठीक है, बट बिकॉज दिस इज नॉन कैश एक्सपेंस तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि डेप्रिसिएशन है। फिर एक चीज और आती है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आपने कोई भी फिक्स एसेट बेची होती है तो उसका कोई भी अगर लॉस होता है तो वो आपको इधर लिखना पड़ता है, राइट? वैसा वर्षा अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आप इधर लिखोगे। ठीक है, फिर टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका। फिर आता है टू सरप्लस, राइट? इधर आता है हमारे इनकम साइड में, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इनकम होती है सब्सक्रिप्शन, जो रेगुलरली हमें सपोज फीस वगैरह मिलती है कि हर महीने हर हफ्ते या जो भी हम सब्सक्रिप्शन में हमें मिलता है वो हम इधर लिखेंगे। इधर क्या ऐड करना है क्या लेस करना है वो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट? एंट्रेंस फीस, देखो ये सारी हमारी इनकम है। जनरल डोनेशंस हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट होता है। लीगेसी डोनेशन, ठीक है, ये भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। दस बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय रेंट, अब रेंट मिल रहा है, देखो यहाँ पे अगर सपोज कुछ होता कि सपोज रिपेयर्स है तो हमें देना पड़ रहा है, यहाँ पे रेंट क्या है हमें मिल रहा है, अगर हमें मिल रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, इनकम होगी। और इधर आएगा गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर आता है हमारे पास सन्ड्री रिसिप्ट्स, मतलब ऐसी जो भी मिसलेनियस रिसिप्ट्स होती हैं। और डेफिसिट, अगर हमारा कोई लॉस आता है तो हम उसको लॉस ना कह के हम डेफिसिट कहते हैं, जिसको हम इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप सबके सामने शेयर करता हूं। दिस इज दी एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ TS ग्रेवाल। ठीक है, ये TS ग्रेवाल की एग्जाम्पल नंबर 4 है।
अब इस क्वेश्चन को पॉज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप क्वेश्चन को पॉज कर लेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम देखेंगे डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को कराने से पहले, चलो ये क्वेश्चन तो आपने पॉज कर ही लिया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको जरा कुछ चीजें समझा देता हूं, ठीक है। जैसे सपोज मैं सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं, ठीक है, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये हमारा नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। मुझे एक बार बताओ यहां पे अगर मैं इनकम की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन अगर यहां पे आउटस्टैंडिंग होगा, सपोज यहां पे, मतलब ये है करंट ईयर का बिगनिंग, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, मैं क्या बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग राइट ऑफ द ईयर, अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो अभी मतलब आपने पे नहीं किया, मतलब आपको मिला नहीं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम है तो आपको मिली नहीं है, तो वो किस साल को रिलेट कर रही है, प्रीवियस ईयर को या करंट ईयर को। अगर यहां पे आउटस्टैंडिंग है तो ऑब्वियसली वो प्रीवियस ईयर को रिलेट कर रही है, तो अगर वो रिलेट कर रही है प्रीवियस ईयर को तो आपका अगर करंट ईयर का कोई भी अमाउंट दिया होगा तो आप उसमें से उसको सेपरेट करोगे बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विद द करंट ईयर राइट। ऐसे ही अगर आपको यहां पे आउटस्टैंडिंग, अगर यहां पे सपोज एडवांस दिया होगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन और यहां पे है तो मैं लिख रहा हूं एट द बिगनिंग, अगर आपको यहां पे कुछ एडवांस मिला है तो वो किस साल को रिलेट कर रहा है, ऑब्वियसली अगर यहां पे एडवांस मिला है तो वो करंट, मतलब वो एडवांस यहां पे मिला है तो यहां को बिलोंग कर रहा है राइट। तो इसका मतलब अगर यहां पे एडवांस है तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, करंट ईयर को, तो हम उसको एड करेंगे, ठीक है। अगर यहां पे कुछ आउटस्टैंडिंग है, सपोज करंट ईयर के एंड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर राइट, तो अगर एट द एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग मतलब पीछे का, तो ऑब्वियसली पीछे का तो पीछे क्या आ रहा है, करंट ईयर, तो वो करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो इसको ऐड करेंगे माइनस करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे राइट। और अगर यहां पे एडवांस है, अगर यहां पे हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है एट द एंड, अगर यहां पे हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यहां पे एडवांस मिला है तो वो ऑब्वियसली आगे के लिए मिला है, तो आगे वाला साल करंट ईयर है क्या, नहीं, दिस इज नेक्स्ट ईयर, तो इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसको माइनस करेंगे। तो सीधी सी बात समझ आ गई, आप ये वाली लाइन बना के किसी भी चीज का अगर आउटस्टैंडिंग या एडवांस आपको दिया हुआ है तो आप ये लाइन बना के आप उसका आंसर प्रॉपर तरीके से निकाल सकते हो विदाउट एनी डाउट राइट। फॉर एग्जाम्पल अब दोबारा से एक बार देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, यहां पे आउटस्टैंडिंग है तो पीछे को बिलोंग कर रहा है राइट, तो इसका मतलब वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हम माइनस करेंगे, अगर यहां पे एडवांस है तो आगे को बिलोंग कर रहा है तो इसको प्लस करना है, और ये वाला आउटस्टैंडिंग यहां पे है तो इसका मतलब इसको बिलोंग कर रहा है ये क्या करंट ईयर, तो इसको ऐड करना है, और अगर यहां पे एडवांस मिला तो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा है, करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रहा तो इसको माइनस करना है राइट। तो ये हमारी एक टेबल है, मतलब मैं हमेशा कोई भी क्वेश्चन करता हूं तो ये टेबल ऐसी बना के फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, इज दैट क्लियर, ठीक है। अब हम अपने दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा था, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम करेंगे बट कंसेप्ट को समझते हुए करना है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। सबसे पहली तो ये आपका फीस कलेक्ट है, ठीक है, और कितना है 3,80,000, बट इसमें क्या रहा है 80,000 प्रीवियस ईयर का है, तो 3,80,000 में से 80,000 हम माइनस करेंगे और हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, इनकम हमारी क्रेडिट साइड आ रही है राइट। और यहां पे लिखा भी हुआ है फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, इस साल की आउटस्टैंडिंग है राइट, इस साल की आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये हमारी इनकम रहती है जो अभी तक हमें मिली नहीं है, तो इसको हमें एड करना पड़ेगा। तो 3,80,000 में से अगर हम 80,000 माइनस करते हैं 3,00,000 हो गया, और ठीक है, और 3,00,000 में 10,000 ऐड करते हैं तो क्या हो गया 3,10,000, तो हमारे पास जो फीस का अमाउंट आ जाएगा दैट वुड बी 3,10,000 राइट। फिर सैलरी पेड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमने सैलरी पे करी है इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस ईयर दैट इज 28,000,
28,000 की सैलरी पे करी है जो कि 3,000 प्रीवियस ईयर की भी इसमें इंक्लूड है। प्रीवियस ईयर का तो हमें लेना ही नहीं होता, 3,000 माइनस कर दो तो कितना बच गया 25,000, और 25,000 क्या हो गया, वो आपकी सैलरी हो गई इस साल की, ठीक है 25,000, ठीक है। बट यहां भी सैलरी का भी कुछ अमाउंट दिया हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। अगर एट द एंड आपके सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो आपके करंट ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो 1,000 उसमें ऐड भी कर दो तो कितना हो गया था 28-3 25,000 + 1,000 दैट इज 26,000, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इसकी और कोई मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट नहीं है इसी के आगे पार्ट्स में, तो ये एक्सपेंसेस है ऑब्वियसली, ये सारा एक्सपेंस हमारा कहां जाएगा डेबिट साइड में। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, मीटिंग एक्सपेंसेस ये भी डेबिट साइड में, फिर हमारे पास ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है ये भी हमारा डेबिट साइड में जाएगा। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर द परचेज ऑफ बुक्स। अब ये कह रहा है कि 29,000 में से 19,000 तो मैंने बुक्स ही परचेज करी है। बेटा बुक कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आप बताओ, जो बुक्स है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्यों? क्योंकि बुक एक बार खरीद लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिक्शनरी खरीदी ऑक्सफोर्ड की, तो वो ऐसा नहीं होता कि हर साल आप डिक्शनरी खरीदे जा रहे हो, नहीं, एक बार खरीद लेते हो तो वो आपकी मतलब जिंदगी भर तक चल देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बुक्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो पीरियोडिकल्स हैं वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो हमें इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्टना है, तो 29 में से 19 माइनस करो तो आपका क्या बच जाता है 10,000, तो 10,000 वुड बी योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा, राइट। फिर रेंट पेड हमेशा करना होता है, हर महीने करना होता है, रेकरिंग होता है, रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम इसको डेबिट साइड में लेंगे। पोस्टेज एंड टेलीफोन्स ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, 15,000 उसको लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड, अब ये डोनेशन रिसीव्ड क्या है, हमारी इनकम है, ठीक है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, दैट इज 20,000। फिर जो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करो एक बार, क्योंकि सारे आइटम मैंने डिस्कस कर ली और इसका जो आंसर है वो है आपकी बुक में ही दिया हुआ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4, एंड द आंसर इज 2,26,000, राइट। तो आप इसको ट्राई करो और फिर हम आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में हमारे पास, इसका भी फॉर्मेट मैंने आप सबसे डिस्कस करा हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक बार दिखा देता हूं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट है, ऐसी नजर आती है। सिंपल सा फॉर्मेट होता है, एसेट साइड में आपके पास फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, उसमें बिल्डिंग में भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ इसका ओपनिंग बैलेंस था, स्टार्टिंग में आपने कुछ उसमें एडिशन किया, फिर कुछ डेप्रिसिएशन हुआ, तो फाइनल आंसर हम इधर लिखेंगे, वी विल राइट ओनली द फाइनल अमाउंट। फर्नीचर है, ओपनिंग बैलेंस है, सेम वही, कुछ एडिशन है, कुछ हमने सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन में फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सेल कर दिया, कुछ डेप्रिसिएशन लग गया, तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी खुद की एडजस्टमेंट है। मतलब आपको फॉर्मेट ऐसे याद नहीं करना, बट जो अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो आप उसको लिखोगे, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी वैल्यू क्या है हम वो लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास करंट एसेट्स में सब्सक्रिप्शन इन अरियर, एक्यूरेट इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट कुछ है जैसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी मेरी एसेट होती है। और आपको पता है 11th क्लास में पढ़ा है प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी एसेट होती है, इंश्योरेंस, रेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, राइट, फिर कैश इन एंड कैश एट बैंक, मेरे हिसाब से ये आपकी एसेट साइड क्लियर है, राइट। फिर लायबिलिटी साइड में हमारे पास, हम जनरली लिखते थे 11th क्लास में कैपिटल, अब वहां पे कैपिटल ना हो के ये हमारा कैपिटल फंड होता है, इसके दो तीन नाम होते हैं, जनरल फंड होता है, कॉर्पस फंड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कैपिटल फंड जनरली या जनरल फंड हम ये दो वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, कॉर्पस फंड ज्यादा यूज नहीं करते, बाकी तीनों सिनोनिम्स होते हैं। फिर इसमें वही ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर कुछ सरप्लस होता है जैसे 11th क्लास में करते थे, कोई प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, ऐसे इसमें सरप्लस इसमें ऐड करते हैं, लॉस है या जिसको हम डेफिसिट कहते हैं उसको माइनस करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर फंड होता है तो हम उसको अलग से उसकी हेडिंग डालते हैं, बिल्डिंग फंड, राइट, स्पोर्ट्स फंड।
अब बिल्डिंग फंड के लिए कोई पैसा है उसमें, उस फंड में कुछ एडिक्शन हुआ है या उस फंड में कुछ माइनस हुआ है, तो वो हम इधर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स फंड हो गया, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, फिर इसमें स्पोर्ट्स फंड के नाम पे हमारे पास डोनेशंस आई, हमें इंटरेस्ट मिला, हमने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर कुछ इंटरेस्ट मिला है। फिर लेस करते हैं, अगर हमने कुछ उसी स्पोर्ट्स फंड में से कुछ हमने खर्चा किया, जैसे स्पोर्ट्स प्राइजेस अवार्ड करे हैं। फिर हमारे पास जनरल चीजें आती हैं, जैसे करंट लायबिलिटीज हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लायबिलिटी, राइट। और सब्सक्रिप्शन इन अरियर, मतलब एट द एंड अगर आपके पास कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन इन अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड अगर ये है तो वो आपके एसेट बन जाती है, और अगर आपने कोई एडवांस लिया हुआ है, ठीक है, एट द एंड, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। तो एंड वाली दो चीजें जो मैंने अभी आपको लाइन के थ्रू समझाई थी, दो चीजें एंड वाली, वो आपका एक एसेट बन जाती है, एक आपकी लायबिलिटी बन जाती है। सो दिस इज द बैलेंस शीट, राइट। अब बैलेंस शीट में भी आपको कुछ चीजें समझनी है जिसको हम आगे और डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही है, ठीक है। अब सपोज एक फंड की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फंड बेस्ड अकाउंटिंग, राइट। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम शुरू करने वाले हैं। तो फंड का मतलब क्या होता है? फंड का मतलब वो अमाउंट होता है जो हमें रिसीव होता है, जो हमने रिसीव किया होता है, ठीक है। हम कौन है? एनपीओ। तो जो हमने रिसीव किया होता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, जिसका पर्पस मेंशनड है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं फंड, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक फंड है प्राइस फंड, ये एग्जांपल आपके टीएस ग्रेवल का ही एग्जांपल है। तो प्राइस फंड में सपोज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कि स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमारे पास बैलेंस था 1,00,000 रुपए, ठीक है। उसमें हमें प्राइस फंड के नाम पे हमें कुछ डोनेशन मिली, तो डोनेशन मिली है तो हम उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमें 10,000 रुपए डोनेशन मिली है, फिर हमने इंटरेस्ट भी अर्न किया है, हमने उस पैसे को बैंक में रख दिया तो हमें उस पर इंटरेस्ट भी मिला है। तो जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 8,000 का मिला है, तो 8,000 का इंटरेस्ट भी हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास 1,18,000 का अमाउंट इकट्ठा हो गया। और हमने कुछ खर्चा भी किया जिसको हम लेस कर देते हैं, राइट। तो लेस क्या किया? हमने कुछ एक्सपेंसेस किए, ठीक है, जो कि प्राइस फंड से रिलेटेड थे। फॉर एग्जांपल प्राइस हमने खरीदे तो वो खर्चा हमारा 7,000 का हुआ, तो यहां पे हमारे पास कितने रुपए बच गए? 1,11,000, राइट, 1,11,000। तो ये जो अमाउंट हमारे पास है, ये अमाउंट कहां जाएगा? क्योंकि जो हमारा फंड है वो कहां दिखा रहे हैं? लायबिलिटी साइड में। तो ये हमारा अमाउंट लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट की, ठीक है। इसी के साथ मैं एक एग्जांपल और देता हूं जो कि आपके क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। अगर सपोज प्राइस फंड का, ये वही वाला एग्जांपल लेता हूं, प्राइस फंड, ठीक है, अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 10,000 दिया है, और हमें इसमें कुछ एडिशन हुआ, फॉर एग्जांपल डोनेशंस मिली, ठीक है, कितनी डोनेशन मिली? 5,000, और हमें इंटरेस्ट भी अर्न हुआ, तो हम लिख देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। कितना इंटरेस्ट मिला? 1,500 रुपए का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 16,500। और हमारे पास जो भी एक्सपेंस था, ठीक है, हमने एक्सपेंस कर दिया, मेरा खर्चा हो गया 20,000 रुपीज का। तो अब क्या करेंगे? इसमें से इस फंड के पास, इस ये फंड है जो गुल्लक है मेरा, जिसमें 16,500 रुपए है और खर्चा हो गया 20,000, तो हम क्या करेंगे? 16,500 रुपए तो इसमें से खर्च करेंगे, या इसको माइनस करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा है, ध्यान से सुनो, 16,500 में से 16,500 इस फंड में से माइनस होगा और बचा 3,500 एक्स्ट्रा जो खर्चा हो गया वो हमारा जाता है
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो अगर ये हमारी नेगेटिव फिगर आती है, अगर ये हमारी फिगर नेगेटिव आती है, बिकॉज इट इज नेगेटिव, तो ये हम कहां शो करेंगे, डेबिट साइड ऑफ, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड, क्योंकि आप सबको पता है डेबिट साइड क्या होती है, एक्सपेंडिचर साइड होती है, तो नेगेटिव है तो इनकम नेगेटिव में होगी, तो मतलब खर्चा है, तो वो वहां से हम एक्सपेंडिचर साइड से लेंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? या इसको ये समझ लो कि 16,520 खर्चा हो गया, 16,500 इसमें से ले लिए, तो ये तो हमारा खत्म। ठीक है, अब ये शो नहीं होगा, और जो शो होना है 35,000 और चाहिए, वो हम अपना एक्सपेंस दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ठीक है, अब हमारे पास फंड्स की, मैं बात करता हूं फंड्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं। हमारे पास दो टाइप के फंड्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, वन इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। हमारे पास फंड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होता है, वो फंड जिस पे कुछ टैग नहीं लगाया होता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब हम इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है जनरल फंड और कैपिटल फंड, जो मैंने अभी आपको बैलेंस शीट में बताया। कैपिटल फंड कह देते हैं या इसको जनरल फंड कहते हैं, जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होते हैं, वो फंड जिस पे रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे सपोज गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट। फिर आता है एंडोमेंट फंड, क्या आता है, एंडोमेंट फंड। फिर आता है एन्यूटी फंड, ऐसे बहुत सारे फंड होते हैं। ठीक है, लोन फंड। फिर आता है फिक्स एसेट्स फंड, बहुत सारे फंड्स होते हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ऐसे आ गया प्राइस फंड। ठीक है, क्योंकि इनके आगे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन वाले वर्ड यूज करे हुए हैं। ठीक है, जैसे फिक्स एसेट्स फंड हो गया कि भैया ये फंड ऐसा फंड है जो आपको मेंशन करा हुआ है कि ये आपको इसी एसेट के लिए ही यूज करना है। फॉर एग्जांपल हो गया बिल्डिंग फंड, कि ये फंड मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको केवल बिल्डिंग के पर्पज के लिए यूज करना है। प्राइस फंड, केवल प्राइस के लिए यूज करना है। गवर्नमेंट ग्रांट, तो सपोज गवर्नमेंट ने कोई प्लान या कोई प्रोग्राम शुरू करा है, फॉर एग्जाम्पल पोलियो इरेडिक्शन प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया कि भैया ये आप केवल इसीलिए यूज करोगे। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड वो वाला फंड होता है जो इसलिए दिया जाता है जिसका इंटरेस्ट आप यूज कर सकते हो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जो ओरिजिनल अमाउंट है वो इंटैक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एंडोमेंट फंड मिल गया 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए को बैंक में जमा करो, एज इट इज रहना है, उसका हर साल जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता जाएगा आप उस साल में केवल वो इंटरेस्ट यूज कर सकते हो, और जो आपकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसको आप हाथ भी नहीं लगाओगे, तो दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। तो बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड फंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप मुझे बताओगे कि ये आपके कहां आना चाहिए, मतलब ये आपका अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड है, कोई स्पेसिफिक फंड है, वो तो आपकी बैलेंस शीट में आता है, राइट? और अगर कोई कोई चीज है जो आपके स्पेसिफिक फंड के अंदर नहीं आती, तो वो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, तो जरा इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5, दैट इज टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड ऑफ ₹2,00,000, क्योंकि नाम दिया हुआ स्पेसिफिक फंड है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000 है, रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000 है। तो सिंपल सी बात है, 2 लाख रुपीज से रिसिप्ट कितने मिले, 80,000 ऐड करेंगे,
और खर्चा कितना हो गया 60,000 माइनस कर दो तो कितना हो गया 2,20,000। तो वो कहां शो होगा, ये आपका स्पेसिफिक फंड है बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक फंड, तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट की। जो स्पेसिफिक फंड है वो आपकी लाइबिलिटीज में जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। जो स्पेसिफिक फंड नहीं है वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस। जो बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस है ये कोई स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो ये खर्चा कहां जाएगा, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर आता है रिसीव्ड फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स 50,000। अब यहां पे कुछ स्पेसिफिक फंड दिया हुआ है कि क्या ये स्पेसिफिक है, मतलब कुछ ऐसा नाम तो नहीं लिखा ना कि ये वाला फंड है, तो यहां से जो रिसिप्ट है ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ए इनकम जाएगा और जो एक्सपेंसेस हैं वो एज ए एक्सपेंस जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। प्राइस फंड है 1,00,000 रुपए का, इस पे हमें इंटरेस्ट मिला 10,000 रुपए, ठीक है। प्राइस हमने अवार्ड कर दिए 20,000 रुपए और जो हमने प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 80,000 है। बताओ ये स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड है। 1,00,000 रुपए है उसमें इंटरेस्ट मिला 10,000, तो ऐड कर दो प्राइस अवार्ड 20,000, उसको माइनस कर दो, जो बच गया वो आपका लायबिलिटी साइड में आ गया, राइट। और ये जो आपकी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट बन जाती है आपकी एसेट साइड में चली जाती है। अब ये प्राइस फंड दिया 80,000, ठीक है, इस पे 10% आपको प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 80,000 जिसपे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। डोनेशन कितना मिला 12,000, प्राइस कितने अवॉर्ड किया 14,000 और जो इंटरेस्ट मिला वो केवल 4,000 मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो होगा क्योंकि ये प्राइस फंड है, 80,000 में हमें 12,000 तो डोनेशन मिली, ये प्लस करेंगे और प्राइजेस अवॉर्डेड तो ये क्या आएगा 14,000, ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूं, ये 14,000 हमने माइनस करेंगे, ठीक है। फिर हमें इंटरेस्ट कितना मिलना था 80,000 का 10%, 80,000 का जो 10% है वो कितना बनता है 8,000, बट हमें कितना मिला 4,000। तो यहां पे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस केस में हम लिखेंगे 80,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, है ना। लेकिन 4,000 तो हमने रिसीव कर लिया है बट 4,000 अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो हमारी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट एक्यूड, तो वो हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, तो वो हमारी एडिशन में जाएगा और जो हमारे खर्चे हो गए वो हमारा एक्सपेंसेस में जाएगा, ये माइनस किया तो जो हमारा अमाउंट बचा दैट वुड बी लायबिलिटी साइड, ठीक है। 86,000 लाइबिलिटी साइड में आएगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 80,000 क्योंकि वो हमारी एसेट बन चुकी थी और इसमें जो 4,000 हैं वो एक तरीके से क्या है, वो मेरी एसेट ही तो है क्योंकि वो मेरी इनकम है बट अभी मुझे मिला नहीं है, राइट, तो वो एसेट साइड में भी शो होगा, ठीक है। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमारे पास एक सिक्स्थ पार्ट बचता है, सिक्स्थ पार्ट, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है बहुत ध्यान से, अगर आपने समझ लिया तो आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ये लास्ट कंसेप्ट होता है, इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमारे पास ये बोला गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, तो मैं आपको समझा, पहले आप पढ़ लो क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6,00,000, 6,00,000 हमारा एक्सपेंडिचर था, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस, अभी खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, एंड नॉट कंप्लीटेड, पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 8,00,000, डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2019 वॉज 10,00,000, एंड कैपिटल फंड एज एट 31 मार्च 2019 इज 20,00,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, आप एक बार इसके अमाउंट अपनी कॉपी में कहीं लिख लो और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या कहता है, इसके लिए मुझे कॉपी वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है।
बैलेंस शीट में हमारे पास कैपिटल फंड दिया हुआ है। कैपिटल फंड कितना दिया हुआ है? 20 लाख, ठीक है। और हमारे पास पवेलियन फंड दिया हुआ है, पवेलियन फंड का हमें क्या ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये भी एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस है, तो मुझे इसको नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, आप समझ जाओ कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। कैसे लिखूं, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसको इधर लिख काट के लिख देता हूँ, 20 लाख, ठीक है। यहां पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 8 लाख। और हमारे पास डोनेशन मिली कितनी? पवेलियन फंड के लिए हमें डोनेशन मिली, तो डोनेशन कितनी रिसीव हुई? 10 लाख। तो 10 लाख रुपए हमने डोनेशन के लिए, तो हमारा जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो गया? 18 लाख। पहले तो आप डोनेशन ऐड कर दो पवेलियन फंड में, लेकिन ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है। तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होता है, मतलब बिल्डिंग बनेगी तो हमारी कैपिटल ही, मतलब ये एक ऐसा खर्चा है जो कि हमें कई सालों तक फायदा देगा, ठीक है। तो इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। तो अगर कोई भी कैपिटल नेचर का अगर खर्चा होता है स्पेसिफिक फंड में से, तो ये रूल होता है जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये 18 लाख रुपए हो गए। तो वो वाला जो आपका खर्चा हुआ है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कैपिटल फंड में। खर्चा कितना हुआ है? 6 लाख रुपए। तो ये जो 6 लाख रुपए का खर्चा है इसको हम लेस करेंगे और हम इधर लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। मतलब आपको ये समझना है कि ये 18 लाख में से 6 लाख माइनस करके हमारे पास जो अमाउंट बचेगा दैट इज 12 लाख। ये हमारा जो ट्रांसफर होके वो हमारा कहां चला जाएगा? कैपिटल फंड में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है। तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पवेलियन फंड, राइट। तो कितना ट्रांसफर किया? 6 लाख। मतलब इधर से माइनस करना है और कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास जो फंड बन गया वो कितना बन गया? 26 लाख। कितना बन गया? 26 लाख, ठीक है। और यहां पे जो हमारी एसेट साइड थी, क्योंकि ये पवेलियन क्या होगा, ये हमारा पवेलियन इन प्रोग्रेस हो गया, तो इसको हम नाम लिखेंगे पवेलियन इन प्रोग्रेस, क्योंकि ये हमारी एसेट है। तो ये हमारी एसेट साइड में भी लिखा जाएगा दैट इज 6 लाख। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ये 6 लाख यहां से माइनस होगा बिकॉज इट इज ऑफ कैपिटल नेचर, इधर जाके ऐड होगा, और क्योंकि हमारी एसेट भी बन चुका है तो हमारी एसेट साइड में भी शो होगा। तो दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ शो कर रहा हूं, तो ये वाले जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको साथ साथ शो करने हैं, ठीक है, मतलब ये आपको करना है, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस भी कर लेता हूं। जैसे बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग फंड कितना है? 10 लाख। डोनेशन कितने रिसीव हुआ? 25 लाख। और बिल्डिंग बनाने के लिए हमने 22 लाख 50 हजार रुपए खर्च भी कर दिए। तो जो भी बिल्डिंग फंड है, क्योंकि कैपिटल नेचर का है, तो इसमें 10 लाख प्लस 25 लाख डोनेशन मिली है 25 लाख, उसमें से हम 22 लाख 50 हजार को माइनस करेंगे, उसको हम कैपिटल फंड में भेज देंगे, उसमें ऐड करेंगे, और ये एज अ बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारा एसेट साइड में भी शो होगा, ठीक है। ऐसी टूर्नामेंट फंड जो भी प्लस माइनस करना हो आप करके, अगर स्पेसिफिक फंड है तो बैलेंस शीट में शो करोगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है, ये कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है, ये एक बार मिलती है जिंदगी में, एक बार हमें फीस मिलती है लाइफ मेंबरशिप फीस, तो ये कैपिटल फंड का पार्ट होता है, तो कैपिटल फंड में ये ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल फंड में हमारे पास दो चीजें ऐड हो गई, एक तो यहाँ पे ऐड हो गया एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग फंड जो भी हमने ट्रांसफर किया था, और हमें ये लाइफ मेंबरशिप फीस भी ऐड होगी, राइट। फिर सब्सक्रिप्शन वाला है, ठीक है, और कैपिटल फंड है। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस तो चाहिए था, क्योंकि जब हम कैपिटल बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस शो होगा, ठीक है।
तो ये इलस्ट्रेशन 6 आप ट्राई करोगे, कोई भी डाउट आता है तो हम उसको आगे देखेंगे। सो दोस्तों आज ये वीडियो, दिस इज एनपीओ पार्ट 2, हम यहीं पे ही एंड करते हैं, ठीक है। आपको मेरी सारी वीडियोस ध्यान से देखनी है बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग, राइट। मैं आई होप कि मैं सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन मैं यहीं पे आपसे डिस्कस करूंगा, तो ठीक है। कोई भी अगर आपके डाउट आता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एट एडुपैशन क्लासेस, ठीक है। माय नेम इज कुणाल कुमार, सी यू देन, ओके बाय।